अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही मज़ेदार सी मोर छोले बनाने की रेसिपी, जो इंस्टेंट रेसिपी है। बहुत ही आसानी से आप इसको बहुत जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी सुबह मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह करके मैं किचन में आई थी, तो यहाँ पर बस मैंने ऑयल वगैरह रिफ़िल करना था, वो मैंने रिफ़िल कर लिया है। साथ साथ मैंने खाना बनाने की तैयारी कर ली। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना फ्रोज़न रखे हुए थे चने, तो आप उसको अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो आप बॉयल भी कर सकते हैं। तो अगर ज़ाहिर है अगर चने आपके पास नहीं है फ्रोज़न में, तो आपको उसको बॉयल करना पड़ेगा। ओवर नाइट के लिए इसको भिगो दें और सुबह उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें। चने जो है ना ऑलमोस्ट 80-95% तक डन होने चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने डाल दिया था जी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला ऑयल में। और उसके बाद मैंने आधा किलो इसमें डाल दिया है जी चिकन। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें प्याज क्यों नहीं डाला, क्योंकि प्याज मैंने इसमें तली हुई डालनी है, तो वो बाद में मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप टोमेटोज का पेस्ट इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। उसमें मैंने डाला है जी 1 टेबल स्पून इसमें नमक, 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने डाली है जी धनिया पाउडर। बस इस टाइम पर मैं यही मसाले इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है। और इस तरह से जब आप पकाते हैं ना मसाले के साथ चिकन को, तो चिकन के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है, उसका कलर बहुत अच्छा सा चेंज हो जाता है, उसके अंदर टेस्ट भी चला जाता है सारे मसाले का, और आपका फीका फीका सा चिकन ही बनता है। इसी पॉइंट पे मैंने प्याज डाल दिए, तली हुई प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज की हिसाब से मैंने इसमें तली हुई प्याज डाल दी है। इसके बाद अच्छे से इस पॉइंट पे आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, जब तक कि चिकन जो है ना वो हमारा अच्छा से भुन जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको गला दूँगी। चने जो थे ना ऑलमोस्ट हमारे पास गले में हैं, मैंने आपको बताया कि 85-90% कम अज़ कम भी आपके कुक होने चाहिए। और चने को बॉयल करके फ्रीज़ कैसे करते हैं उसकी सारी जो मेथड है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है, आप कोई भी इस तरह की रेसिपी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने ये फ्रोज़न वाले चने निकाले थे, ये ज़िपलॉक वाले बैग में मैंने डाल के रखे हुए हैं, और इसमें अपने पोर्शन के हिसाब से आप इसमें डालें। तो यहाँ पे मैंने डाले ऑलमोस्ट 1.5 कप के करीब चने डाल दिए हैं। उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है मसाले के साथ वंस अगेन, ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए मसाले का भी सारा। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह से ये डीफ्रोस्ट नहीं हुए थे, हल्के से ही डीफ्रोस्ट हुए हैं, मैंने इसमें डाल दिया। तो अब मैं थोड़ा सा जो है ना इनको डीफ्रोस्ट भी होने दूँगी, इतनी देर में चिकन भी नरम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन सारा जो है ना अच्छे से हमारा भुन चुका था, और चने भी थे वो सारे डीफ्रोस्ट हो चुके हैं, अब अच्छे से अलग अलग से हो चुके हैं। इस पॉइंट पे 1 टीस्पून मैंने डाला है जी गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। गरम मसाला पाउडर डालने से बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा और बहुत बहुत मज़ेदार सा ये आपका सालन रेडी होगा। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, मतलब आपको अगर शोरबे वाला ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, या ग्रेवी टाइप का पसंद है तो आप इसमें कम पानी ऐड कर दें, ये आपके अपने तक है। उसके बाद पानी ऐड करके आपने इसको पकाना है अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक, और जितनी देर में चिकन गल जाए और वहाँ तक हम इसको पकाएंगे। लास्ट में हम इसको धनिया कसूरी मेथी के साथ गार्निश कर देंगे, और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन छोले आपका मिनटों में पक के तैयार हो जाएगा, बहुत इजीली ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने बस इसमें पानी ऐड किया इतना सा, क्योंकि चिकन अभी फुल डन नहीं था, तो मैंने इसको बस रख दिया था गलने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है चिकन। इस पॉइंट पे जब मतलब हाफ कुक से ज़्यादा हो जाए, तो उसमें मैंने डाल दी थी कसूरी मेथी, थोड़ा सा आप इसमें इस पॉइंट पर धनिया डाल दें कुटा हुआ, और इस तरह से आपने डाल के उसको फिर कवर करके पकाना है जब तक ये फुल डन हो जाए, मसाला अपना ऑयल भी छोड़ दे और आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक हो जाए, तो आपका सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर अच्छी लगेगी। और छोटी छोटी सी कुकिंग टिप्स यूज़ की हैं जो आपकी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, और ये छोटी छोटी टिप्स कंप्लीट डिटेल में और सारी की सारी फूड स्टोरिंग की टिप्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उनको फॉलो करके ईजिली कुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।